फिफ्थ क्वेश्चन 25 AXN फ्रॉम में वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, वेल शफल है यानी कि कार्ड्स आगे पीछे हैं, कहीं घुसते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन, आपने एक कार्ड निकाला उनमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी, ठीक है आपके पास कार्ड क्या होना चाहिए, ठीक है अब ब्लैक कार्ड हो, ठीक है देखो मेरे पास एक कार्ड है, ठीक है ये आपके पास क्या है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ये आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ओके वेल शफल है, ठीक है 4 6, ठीक है आगे पीछे कार्ड है, इकट्ठे नहीं है ये कार्ड्स, ठीक है आपको पूछा है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आप कार्ड निकालोगे वो क्या होगा, कार्ड ब्लैक कार्ड होगा। देखो सबसे पहले हमने, ठीक है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ आपके पास, ठीक है हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है रेड कलर के एंड ब्लैक कलर के, ठीक है रेड कलर के मेरे पास 26 कार्ड एंड ब्लैक कलर के 26 कार्ड, बराबर बराबर होते हैं, ठीक है ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है फिर मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है कि ठीक है 26 रेड कार्ड हो गए, 26 ब्लैक कार्ड, अभी यहाँ छोड़ो फर्स्ट पार्ट आ जाओ, ठीक है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने आ जाएंगे आपके पास, ब्लैक कार्ड कितने होंगे आपके पास 26। सेकंड इज नॉट अ रेड कार्ड, या फिर नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स भी कितने चाहिए 26। नाउ बी अ फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने आ जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास ये कार्ड है तो रेड कार्ड में आपके पास टू टाइप्स होती हैं, ठीक है हार्ट एंड डायमंड, ठीक है और यहां पर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है कि हमारे पास ब्लैक कार्ड की भी टू टाइप्स होती हैं, ठीक है क्लब एंड स्पेड, ठीक है ये भी 13 कार्ड्स, ये भी 13 कार्ड्स, ये भी 13 कार्ड्स और ये भी 13 कार्ड्स, ठीक है बी या फेस कार्ड। अब मैंने आपको बताया था देखो हार्ट है, हार्ट में एक किंग होगा फेस कार्ड, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा, यहां पर भी किंग क्वीन एंड जैक, यहां भी किंग क्वीन एंड जैक, यहां भी किंग क्वीन एंड जैक, हर टाइप कैसे होंगे, ठीक है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ये देखो हर टाइप के, ठीक है हर टाइप के क्या आपके पास किंग क्वीन एंड जैक, वैसे ही बाकी के हार्ट डायमंड और इनके, ठीक है हर टाइप के 3-3 कार्ड होंगे जो फेस कार्ड, ठीक है तो बोला बी आर फेस कार्ड, तो कितने फेस कार्ड हो गए, थ्री हर टाइप में 3 फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए 12, ठीक है आ जाओ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने फेस कार्ड होंगे, देखो रेड ये आ रहा है, ब्लैक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है अगर वो ब्लैक की बात नहीं कर रहे तो हम इस चीज को नहीं लेंगे, ठीक है ये चीज आपके पास नहीं आएगी, तो आपके पास रेड कलर कितने फेस कार्ड होंगे 1 2 3 4 5 6, ओके आ जाओ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट इज, ठीक है बी आ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं बाकी में जरूरत नहीं है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय, ये एक्चुअल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आपके पास 26 एंड टोटल कितनी आपके पास, टोटल कार्ड्स कितने आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, यहां लिख लेना टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, ओके तो इसको कार्ड दो कितना गया 1/2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी आ रेड कार्ड, देखो कार्ड्स में पास दो टाइप होते हैं, या फिर रेड होंगे या फिर ब्लैक होंगे, अगर आपके पास रेड कार्ड नहीं होंगे तो क्या होंगे, अगर रेड कार्ड नहीं होंगे तो क्या होंगे, ब्लैक कार्ड होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड,
विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, के आपके पास 1/2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी अ रेड कार्ड, अगर रेड कार्ड ठीक है नहीं होगा तो मैं सोचता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। देखो मेरे पास कार्ड में दो ही टाइप होते हैं, रेड और ब्लैक, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो इसलिए आपको रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। जब आएगी आप देख लेना, इसका थर्ड पार्ट था वो। देखो थर्ड पार्ट में क्या आपके पास, थर्ड कार्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, कि वो रेड कार्ड होगा, तो रेड कार्ड कितने रखते हैं आपके पास, 26। तो 26 डिवाइड बाय 52, विच इज इक्वल टू 1/2, तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आपके पास, 1/2। मैं यही कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ फेस कार्ड, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी, बी आ फेस कार्ड, वो क्या होना चाहिए, फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड कितने हैं, 12, 12 डिवाइड बाय 52, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 3/13, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का फेस कार्ड, तो रेड कलर का फेस कार्ड कितने आपके पास, रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं, 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52, कितना आ जाएगा, दिस इज 3/26। तो आपके पास क्या आ जाएगी, फेस कार्ड की, रेड कलर के फेस कार्ड की प्रॉपर्टी 3/26। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। आपके पास ए और बी जो है टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब ठीक है हो सकता है, और दूसरा का मतलब है नहीं हो सकता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के ठीक है, किसी भी इवेंट के होने के और नहीं होना, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होना और नहीं होना, ठीक है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो देखो क्या रिलेशन आ जाएगी, देखो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये आएगी इसकी रिलेशन। ये आपने मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते रहे हैं, वो क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री, ठीक है, होने की और नहीं होने की, वो है कंप्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है आपके पास, ठीक है। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, बोलते इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट ए इज 0.46, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही है ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये होने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस ये क्या है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, ये कितना सम आएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.46, एंड विच इज 0.54, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, ठीक है। जब आप डाई को थ्रो करोगे, ठीक है, देखो व्हेन अ डाई इज, ठीक है, जब आप डाई को क्या करोगे, थ्रो करोगे, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, तो आउटकम्स क्या आएंगे, यानी कि सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सैंपल स्पेस मीन्स आपके पास क्या क्या आ सकता है जब डाई को थ्रो करते हो, तो ये इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की, 5 आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आपके फेवर में कितनी आउटकम्स हैं, ओनली 1, ये 5 नहीं है, 5 इज अ नंबर, 8 इज अ नंबर, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी, ओनली 1, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो देखो आपके फेवर में कितने आउटकम्स, ओनली 1,
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, सिक्स, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। नाउ सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट, ठीक है, जब आप डाई को थ्रो करोगे ठीक है तो एट, ठीक है, अब देखो एट कितनी बार आएगा, ठीक है, अब एट तो जब डाई को थ्रो करते हो उसमें सिक्स ही फेस, सिक्स सिक्स तक क्यों होता है, वन टू थ्री फोर फाइव या सिक्स आएगा, एट तो उसमें होता नहीं है, तो एट मतलब आपकी फेवर में कितने केस हैं, एट तो कभी आएगा नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी नहीं आएगा, तो आपकी फेवर में क्या केस है, जीरो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस सिक्स, तो क्या हुई इसकी प्रोबेबिलिटी, जीरो। नाउ देखो नंबर लेस देन एट, ठीक है पहले लिख लो, नंबर लेस देन एट, देखो एट से कम कौन कौन से नंबर होंगे, ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, पर जब डाई को थ्रो करते हो सेवन तो होता नहीं कभी भी, यहां तक क्या आता है, तो एट से छोटे नंबर ही क्या आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन एट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है सिक्स, एंड टोटल आउटकम्स कितनी आपके पास सिक्स, कितना आ गया वन, ओके, एंड नंबर फोर्थ, ठीक है प्राइम नंबर, ठीक है प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ठीक है जिसके दो ही फैक्टर होंगे, वन तो नहीं है प्राइम नंबर के, आपके पास टू है थ्री है और फाइव, तो प्राइम नंबर क्या आ गया टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव, तो आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्राइम नंबर की, आपके पास प्राइम नंबर आएगा तो आपकी फेवर में कितने आउटकम्स है, वन टू थ्री डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज सिक्स, तो कितना आ जाएगा वन बाय टू, कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइम नंबर आएगा वन बाय टू, दो में से एक चांस है कि वो नंबर क्या होगा जो आप डाई को थ्रो करोगे वो प्राइम नंबर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स सिक्स आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, ठीक है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, इज इक्वल टू सिक्स, देखो आपके पास एक ये बैग है, ठीक है इसमें कितनी है, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ये सभी की आपके पास ब्लैक बॉल्स है, ठीक है बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव एंड बी सिक्स, सिक्स ब्लैक बॉल्स, ठीक है आइडेंटिकल बिल्कुल सेम है। अ चाइल्ड विड्रॉ वन बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, ये बैग यहाँ से बंद है, ठीक है बिना देखे, ठीक है बिना देखे यहाँ से चाइल्ड ने एक बॉल निकाली, बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट, ठीक है तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट में, ठीक है किसकी, अ वाइट बॉल, ठीक है तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है देखो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज सिक्स एंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, इसमें व्हाइट बॉल कितनी आपके पास, ठीक है देखो इन्होंने बात किया बैग कंटेन, बैग में सिक्स ब्लैक बॉल्स ही हैं, इसके अलावा कोई बॉल नहीं है, तो व्हाइट बॉल्स की तो बात ही नहीं की, तो व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी इसमें, जीरो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, जीरो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज सिक्स, तो क्या आएगा जीरो, जब व्हाइट बॉल है ही नहीं तो निकलेगी नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है। नाउ सेकेंड इज अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी आएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स है आपके पास सिक्स, देखो बैग में है ही सिक्स बॉल्स, जब वहां से कोई बच्चा बॉल निकालेगा तो वो 100% श्योर है कि वो ब्लैक बॉल निकलेगी, क्योंकि ब्लैक बॉल के अलावा उसमें कोई भी बॉल नहीं है, तो श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा वन होती है, ठीक है तो अगर वैसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, सिक्स ब्लैक बॉल है, ठीक है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बैग में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी सिक्स ही है, ठीक है टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है, अ बैग कंटेन सिक्स आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, ठीक है सिक्स आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स थी, ब्लैक बॉल भी सिक्स थी, टोटल बॉल भी इसमें सिक्स ही है, तो कितना आ गया वन, ठीक है ये श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट की प्रॉबिलिटी होती है वन, ओके ठीक है ये हमें पता ही है, क्योंकि आपके पास जब है ही ब्लैक बॉल्स, ठीक है जब आप देख, चाहे आप देख के निकालो चाहे बिना देख के निकालो, ठीक है निकलेगी तो आपके पास ब्लैक बॉल ही, ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने एक सिंगल लेटर सेलेक्ट करना है रैंडमली कोई भी, किस वर्ड से, प्रोबेबिलिटी से,
तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, जो आप वर्ड चूज करोगे वो क्या होगा, वोवल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ जो आउटकम्स आएंगे, आउटकम्स क्या आएंगे आपके पास, यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें से कोई सिंगल लेटर चूज करना है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी में आउटकम्स क्या है, कोई भी लेटर तक क्या आएगा, पी आएगा, आर आएगा, ओ आएगा, या बी आएगा, ए आएगा, या फिर से डी आएगा, या आई आएगा, या एल आएगा, या फिर आई आएगा, या फिर टी आएगा, या फिर वाई आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास दो आई दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, दो भी दो बार लिखना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपके पास आउटकम्स क्या है, ये ठीक है, और ये है टोटल आउटकम्स। ठीक है, और फेवरेबल क्या है, ठीक है, आपके पास यहां पर फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, वोवल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या वोवल्स है, वोवल्स क्या होता है आपके पास, ए आई ओ यू। अब देखो ए ये वोवल है, ठीक है, ओ वोवल है, आई वोवल है, आई वोवल है। ठीक है, तो क्या जाएगा, ओ ए आई एंड आई। अब दो बार आई है, दो में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ जाएंगी यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी यहां पर, 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, पूछ गया सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल लेटर, सिंगल लेटर की आपने प्रोबेबिलिटी, नहीं नॉट अ सिंगल लेटर, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, कि वो क्या होगा, वोवल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द वोवल, तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके पास, 4, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी किसकी, कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी वर्ड दिया है, आप इसमें से कोई भी एक रैंडम वर्ड, रैंडम लेटर चूज करोगे, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/11। ठीक है, 4/ की प्रोबेबिलिटी आपके पास, ठीक है, ये सारे वर्ड पड़े होंगे, ठीक है, उसमें से आपने वोवल निकालना है। तो देखो आपके पास चार वोवल है, तो चार वोवल में से कोई भी निकल सकता है। ठीक है, तो चार वोवल में से कोई भी निकल सकता है आउट ऑफ 11। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रमेश चूजेस अ डेट एट रैंडम इन जनवरी, ये जनवरी मंथ है आपका, ठीक है, इसमें से वो एक रैंडमली कोई भी डेट चूज कर रहा है, कोई भी डेट उठा सकता है, फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए कोई भी डेट उठा सकता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस अ वेडनेसडे। ठीक है, तो अ वेडनेसडे, ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वेडनेसडे होंगे। तो यहां पर देखो नंबर वन, नंबर ऑफ वेडनेसडे कितने हैं, नंबर ऑफ वेडनेसडे कितने वेडनेसडे हैं, ये वेडनेसडे 1 2 3 4 5, फाइव वेडनेसडे हैं यहां पर नाउ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, मैंने मान लिया ये क्या था, ई वन मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडनेसडे, या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, फाइव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवर, आपके फेवर में कितने वेडनेसडे हैं, फाइव, आउट ऑफ हाउ मेनी डेज इन, ठीक है, कितने डेज है जनवरी मंथ में, 31, तो कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 31, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी वेडनेसडे की, वो वेडनेसडे होगा 5/31। नाउ फॉर नंबर टू, अब फ्राइडे, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्राइडेज कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ फ्राइडे, नंबर ऑफ फ्राइडेज कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये भी 5 है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो आपके पास जो पार्टी के लिए डे चूज करेगा वो फ्राइडे होगा, इज 5/1।
फेवरेबल आउटकम्स, कितने फ्राइडे हैं, 5 out of 31। नाउ नंबर थ्री, ठीक है, नंबर ऑफ ट्यूसडे, ठीक है, और आ सैटरडे, ठीक है, वो जो पार्टी के लिए डे चूज करेगा भैया, ट्यूसडे हो या फिर सैटरडे हो, ठीक है, ट्यूसडे होगा तो भी पार्टी करेगा, सैटरडे होगा तो भी पार्टी करेगा, ठीक है। तो ट्यूसडे कितने हैं, 1 2 3 4 प्लस सैटरडे, 1 2 3 4, 4 सैटरडे, यानी कि टोटल डेज कितने, 8। तो 8 डेज पार्टी करेगा, चाहे वो ट्यूसडे हो चाहे वो सैटरडे हो। तो आपके पास क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या जाएगी, ट्यूसडे और आ, हाँ ट्यूसडे और आ सैटरडे, फेवरेबल आउटकम्स इज 8 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 31। तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, तो देखो आपके पास इन्होंने ये सारा दिया था, तो उसने पार्टी करनी थी, वो पार्टी कब करेगा, वेडनेसडे को करेगा। तो आपके फेवर में कितने डेज हैं कि मंथ में जब जब वेडनेसडे होगा तब आप पार्टी करोगे, तो ये आपकी फेवर में है डेज 5, ठीक है, और कितने डेज है, 31। 31 में से 5 डेज आप पार्टी करोगे। अब उन्होंने बोला कि फ्राइडे होगा उस दिन आप पार्टी करोगे, ठीक है, तो फ्राइडे कितने आएंगे, 5, तो आपकी फेवर में कितने फ्राइडे हैं, 5, तो वो 5 डेज आप पार्टी करोगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला ट्यूसडे और सैटरडे, अगर ट्यूसडे होगा तो भी पार्टी करोगे, सैटरडे होगा तो भी पार्टी करोगे, तो आपकी फेवर में क्या रहा है, ट्यूसडे भी आ रहा है और सैटरडे भी आ रहा है, ट्यूसडे को भी पार्टी करोगे, सैटरडे को भी आप पार्टी करोगे। ट्यूसडे में कितने डेज है, 4, सैटरडे में कितने डेज आपके पास, 4, ठीक है, तो यानी कि आप मंथ में 8 डेज पार्टी करोगे, ठीक है, 31 डेज में से 8 डेज पार्टी करोगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास, 8 अपॉन 31।